नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। आप सभी को पहले तो दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रकाश पर्व, अंधकार से प्रकाश की ओर, जहां पूरे घर को, पूरा देश, भारत वर्ष यह त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। दीपावली वह त्योहार है जिसे हम माँ लक्ष्मी का स्वागत करते हैं, प्रभु श्री राम का स्वागत करते हैं। माँ लक्ष्मी मैया जो है, उनका आगमन होता है हमारे घरों में, और घरों में रौनक, बाजारों में रौनक, हर जगह खुशी, प्रसन्नता, हर्ष और उत्साह और उल्लास के साथ यह त्योहार मनाया जाता है। 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम जब लौटे अयोध्या, तो उनकी प्रसन्नता में उत्सुक होकर सारे अयोध्या वासी दीप जलाने लगे और प्रभु श्री राम का स्वागत करने लगे। जी हाँ, आज यह वही दिन है, और इस बार की दिवाली तो और भी खास है, और दिवाली की तिथि को लेके वही डेट्स फिर से कन्फ्यूजन है। उसी विषय पर आएंगे हम कि 30 को है, 31 को है या 1 नवंबर को है। जी मैम, तो हमारे साथ मौजूद है चंद्रकांता मैम, वैदिक ज्योतिषाचार्य चंद्रकांता कौशिक। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार वृंदा। मैम, हम हमें क्लियर कर देंगे कि ये जो कन्फ्यूजन है तिथियों को लेके और डेट्स को लेके कि आखिर कब है दीपावली, 31 को या 30 को, क्योंकि देश के हर जगह से अलग अलग पंचांग, उज्जैन का, काशी का, दक्षिण भारत का, तो बहुत ज्यादा तिथियों को लेकर दर्शकों को कंफ्यूजन है। तो डेट्स को पहले क्लियर कर देंगे, आखिर कब मनाएंगे हम दीपावली। जी मैम। जी वृंदा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आज हर बंदे के मन में एक विडंबना है कि दिवाली कब मनाए, शुक्रवार को मनाए कि वीरवार को मनाए, 31 अक्टूबर को मनाए या 1 नवंबर को मनाए। तो दीपावली एक दीपों का त्योहार है, और जो कि अमावस्या को मनाया जाता है। तो अमावस्या अगर हम देखें तो 31 अक्टूबर को लगभग 3:55 पर शुरू हो रही है, और जो हम दिवाली जो हम पूजा करते हैं वो हम गोधूली बेला से शुरू करके और रात्रि, पूरी रात्रि तक हम दीपावली की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर अगर 3:55 पर हमारी अमावस्या शुरू हो रही है 31 तारीख को, जो कि वीरवार है, तो उस दिन अगर हमारी 3:55 पर शुरू हो रही है और सूर्य जो अस्त हो रहा है वो 5:36 पर हो रहा है, तो उससे 1 घंटा पहले ही हमारा कम से कम अमावस्या तिथि शुरू हो चुकी है, जो कि गोधूली बेला के टाइम से पहले ही शुरू हो चुकी है। तो अगर मैं अपना मत दूंगी तो मेरा मत ये है कि अगर हमें खाली दिवाली की पूजा के ऊपर अगर कोई टॉपिक लेना है, तो दीपावली की पूजा बृहस्पतिवार को 31 अक्टूबर को हमें रात्रि में ही मनानी चाहिए, क्योंकि दीपावली अमावस्या के दिन मनाई जाती है। अमावस्या की तिथि का होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं बोलूंगी कि दीपावली का स्पेशली जो त्योहार है वो अमावस्या को बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कोई पितृ पूजा करते हैं या कोई सती माता की धोक लगाते हैं, या फिर आप कोई कार्य सिर्फ अमावस्या की उदया तिथि पर ही करते हैं, तो वो आप शुक्रवार को कर सकते हैं। वो आपकी क्योंकि अमावस्या उदया तिथि जो आ रही है वो शुक्रवार को आ रही है, क्योंकि 3:55 दोपहर से 31 अक्टूबर से 1 अक्टूबर तक 6:15 तक अमावस्या तिथि रहेगी। तो अगर आप दीपावली की, अगर मैं अमावस्या वाली रात बोलूं, तो अमावस्या की जो काली रात है, जो दीपावली की रात है, वो हमारी वीरवार को 31 अक्टूबर को रात्रि में ही आएगी। तो मैं मेरा मत जो रहेगा देश काल और पात्र काल के हिसाब से, मैं अपने आप को अगर सोचती हूँ, तो मैं दीपावली का त्योहार जो है वो वीरवार को ही बोलूंगी, जो कि 31 अक्टूबर को है। तो 31 अक्टूबर को, जैसे कि मैम की गणना के अनुसार उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि जो है रात्रि को पड़ रही है। जी जी। तो पूजन का मुहूर्त कब होगा मैम, 1 अक्टूबर को या 31 को?
देखिए पूजन का जो महत्व जो समय, हमारा समय है वो जो होता है वो गोधूली बेला से शुरू हो जाता है। तो गोधूली बेला जो है सूर्य अस्त से एक घंटा पहले और एक घंटा बाद तक होती है। तो आप दिन के दोपहर जो कि 5:30 बजे से 4:30 बजे के बाद से 6:15 बजे के बीच अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप शुक्रवार को कर सकते हैं कि सिर्फ दिवाली की पूजा करनी है हमें तो आप तब कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अमावस्या की रात को दीपावली की पूजा माने तो वो जो हमारा मुहूर्त आ रहा है वो 7:15 से लेकर और 8:50 लगभग तब तक आ रहा है। उसमें हमारा सिर लगन आ रहा है वृषभ लगन और इस बार तो गुरुदेव बृहस्पति खुद लगन के अंदर विराजमान है और वृषभ लगन एक स्थिर लगन है क्योंकि लक्ष्मी जी की जो पूजा होती है आराधना होती है वो स्थिर लगन में करते हैं। तो ये बहुत शुभ टाइम है पूजा करने का जो 7:15 से और 8:50 के बीच का जो समय है। लाभ की चौघड़िया है और साथ में अमावस्या की हमें तिथि भी मिल रही है और अमावस्या की तिथि के साथ साथ चौघड़िया अच्छी मिल रही है। तो मुझे जो लगता है मेरा जो मत है वो यही है कि अगर आप खाली अमावस्या और दिवाली को देख रहे हैं तो दीपावली की रात्रि जो होती है जो तंत्र के लिए भी मंत्र सिद्धि के लिए भी पूजा सिद्धि के लिए भी हम अमावस्या की रात को जो पूजा करते हैं उसी का फल हमें मिलता है। लेकिन अगर हम खाली दीपों का त्योहार ना सोचकर हम सोचे कि हमें तो दिवाली हम तो शुक्रवार को ही मनाएंगे क्योंकि छुट्टी भी इस बार शुक्रवार को ही हो रही है, जो ऑफिस वगैरह की अगस्टेड छुट्टी है वो शुक्रवार को ही हो रही है, तो आप अगर 6:15 से पहले दीपावली मना सकते हैं तो मैं शुक्रवार को भी आप मना सकते हैं। लेकिन दीपावली की रात केवल बृहस्पतिवार की रात होगी। शुक्रवार की रात को गोधूली बेला के बाद हमारी दीपावली की अमावस्या खत्म होके प्रतिपदा तिथि जिसे पड़वा तिथि बोलते हैं वो स्टार्ट हो जाएगी, शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा। यानी 31 शाम के 7 बजे जी नहीं 31 को शाम को 3:55 से अमावस्या तिथि का आगमन आरंभ तो हो जाएगा जी और समाप्ति जो है वो 1 अक्टूबर शुक्रवार को 6:15 पर समाप्ति काल है शाम के जी 6:00 जी। तो पूजन का जो समय आपने बताया वो रात्रि में दोबारा दर्शकों के लिए क्लैरिफाई कर दी, रात्रि में होता है पूजन का जो समय है। अगर बृहस्पतिवार को 31 अक्टूबर को अगर हम दीपावली मनाते हैं तो फिर हमारा जो समय रहेगा वो 7:15 से लेके 8:15 रहेगा जी जो की 8:50 तक है लगभग जी जी। और अगर आपको तारीख भी बता दीजिएगा 31 अक्टूबर को ही बृहस्पतिवार उसी दिन लक्ष्मी माता के पूजन का सही समय दीपावली बता रहे जो कि अमावस्या की रात्रि हमें पड़ रही है। और अगर हम कोई तंत्र मंत्र सिद्धि करते हैं मां लक्ष्मी को मनाते हैं तो वो अधोरात्रि कहते हैं कि एक जो पूजा होती है रात के 12 बजे के आसपास तो वो वाली पूजा भी अगर हम देखें तो सिंह लगन उस वक्त आ रहा है और वो भी हमारा स्थिर लगन आ रहा है तो वो समय भी हमें शुभ मिल रहा है जो अमावस्या का तिथि भी मिल रही है और रात्रि भी मिल रही है। तो मैं ये कहूंगी कि वीरवार को आप 7:15 से लेके पूरा दिन कभी भी आप पूजन कर सकते हैं लेकिन जो शुभ समय है वो 7:15 से लेके 8:50 तक है और तंत्र और मंत्र विद्या के लिए तो फिर आप रात के 10 बजे से लेके और रात के 2 बजे के आसपास तक आप कितना भी सिद्धि कीजिए उसके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगी कि वीरवार को 31 अक्टूबर को अमावस्या की रात्रि को दीपावली के दीपों का अवसर मनाना चाहिए। तो देखिए दर्शकों ये क्लियर हो चुका है क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, कई अलग सारे पंचांग निकल के आ रहे थे और हर बार जैसे त्योहारों में कंफ्यूजन होता ही है, दो दो तिथियां या डेट्स दो दो आ जाता है जैसे अयोध्या या रामेश्वरम और इस्कॉन के माने के चले तो एक को मान रहे थे जी। तो 31 को अमावस्या तिथि कार्तिक अमावस्या पड़ रही है और मैम ने जो समय भी दिया है वो आप नोट कर लीजिएगा। और एक तरीके को भी मैं तो बोल रही हूँ कि अमावस्या है उदया तिथि है, अगर लोग उदया तिथि को मानते हैं लेकिन हमें रात्रि नहीं मिल रही है दिवाली की, रात्रि नहीं मिल रही है वो रात्रि नहीं मिल रही है और दीपावली का जो पूजन है वो रात्रि के वक्त किया जाता है और रात्रि अगर हमें नहीं मिल रही है और वो हमें शुक्ल पक्ष मिल रहा है साथ में तो मेरे हिसाब से तो वीरवार ही होना चाहिए। लेकिन अगर आपको अपना कोई पितृ पूजा करनी है या कोई आपको सती की पूजा करनी है या कोई धूप मारनी है किसी पर्टिकुलर भगवान की जो कि आप अमावस्या को मारते हैं वो शुक्रवार को कर सकते हैं, आप वो वाली पूजा आप शुक्रवार को ही करेंगे क्योंकि उसके लिए हमें पूरा समय मिल रहा है, सिर्फ दीपावली के पूजन के लिए जो हमें समय है वो वीरवार को ही मिल रहा है जो कि 31 अक्टूबर को है। जी तो 31 अक्टूबर को समय के साथ तिथि मैम ने क्लियर कर दिया है जिसमें पूजन का जो समय है लक्ष्मी पूजन दिवाली का पूजन तब होगा
और लक्ष्मी मैया के लिए हम दीप जलाते हैं, तो कहाँ कहाँ दीप जलाते हैं इसके बारे में भी उपाय बता दीजिए, लक्ष्मी मैया को प्रसन्न करने के लिए उपाय। जी, लक्ष्मी मैया के लिए हम जो दिए जलाते हैं, एक हमें घी का दिया जरूर जलाना चाहिए, बड़ा दिया घी का जरूर जलाना चाहिए, और एक हमें तेल का दिया जलाना चाहिए। ये दो दिए तो हमें भगवान लक्ष्मी जी के, माता और गणेश जी के सामने रखने चाहिए। बाकी आप अनगिनत दिए जलाएं और आप अपने घर की छत पर, चारों दिशाओं पे, आप छत के कोनों पे दिए लगाएं, तुलसी मैया पर दिए लगाएं, घर के मंदिर में दिए लगाएं, अपने स्टोर रूम में दिए लगाएं, आपके जितने भी रूम्स हैं हर रूम में एक एक दिया जरूर लगाएं, और जहां पर आप गोवर्धन जी की पूजा करते हैं वहां पर एक दिया लगाएं, एक दिया आप अपने घर की नाली के पास लगाएं, एक दिया आप घर के नल के पास लगाएं, एक दिया आप पीपल देव के पेड़ के पास लगाएं, कुछ दिए आप मंदिर में दान करें, क्योंकि दीप दान से कहते हैं कि इससे बड़ा दान कोई नहीं होता, और दीप दान जब आप करते हैं तो आपको रास्ते में अपनी यातनाएं जो भोगनी पड़ती है वो बहुत ज्यादा हमें साफ सुथरी और अच्छी मिलती है। तो दीपों का जो पर्व है दीपावली, इस पर दिया, एक दिया आप जो है पर भी चार मुखी जो दिया होता है वो घर के आसपास जो चौराया होता है उस पर चलाएं, और घर के बाहर पूरी रोशनी रखें, और घर में साफ सुथरा माहौल रखें, घर में हंसी खुशी का माहौल रखें, और घर की जो स्त्रियां हैं सज संवर कर अपने पूरे गहने पहनकर तैयार रहें, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है, और लक्ष्मी जी साक्षात हमारे घर की जो स्त्रियां होती हैं, हमारी माता बहनें और हमारी घर की जो वधु होती हैं खासकर, वो लक्ष्मी जी का साक्षात अवतार होती हैं। तो मैं तो ये कहूंगी जो हमारी पुरानी प्रथाएं हैं उसे हमें सुचारू रूप से चालू रखते हुए हमें मेहंदी भी लगानी चाहिए, चूड़ियां भी पहननी चाहिए, हमें पूरा जेवर पहनकर, अपने घर के गहने पहनकर, सुंदर सी साड़ी पहनकर बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, और लक्ष्मी जी का बड़ा खुशी खुशी पूजन करना चाहिए। जी, तो हर्ष और उल्लास के साथ ये प्रकाश पर्व उत्साह से मनाया जाएगा, और लक्ष्मी मैया का स्वागत कर रहे हैं तो उन्हीं उसी ढंग से बहुत अच्छे से सज सवर के होगा ही, क्योंकि इतना बड़ा पर्व है, प्रकाश का पर्व है, दीपोत्सव है। तो आप सभी को दोबारा दीपोत्सव की और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, प्रभु श्री राम का स्वागत कर रहे हैं हम, मैया लक्ष्मी का स्वागत कर रहे हैं हम, और कितने अच्छे सुंदर ढंग से तिथि और डेट्स को जो लेके कंफ्यूजन था मैम ने अच्छे से बता दिया। जी मैम, एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि इस दिन जब हम पूजन करते हैं तो महालक्ष्मी जी की चालीसा और राम सूति, श्री राम सूति को हमें जरूर पढ़ना चाहिए। आरती के लिए मत है कि मेरा अपना मत है, हम आरती जब किसी की करते हैं तो हम उसको विदा कर रहे होते हैं, तब हम आरती उतारते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि आरती की जगह अगर आप सरस्वती माता, इसके लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती माता की आप चैंटिंग करें, या माँ लक्ष्मी जी का ओम महालक्ष्मी नमः, सबसे इजी ये मंत्र है, इसका जाप करें, कमल गट्टे की माला से अगर आप इसकी पूजा करते हैं, इसका मंत्र करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो लक्ष्मी मैया के साथ हम गणेश जी और कुबेर देवता का भी, रिद्धि सिद्धि की भी पूजा होती है, शुभ लाभ की भी पूजा होती है, और माता लक्ष्मी जी को भी हम जो है वो खीर का अगर भोग लगाते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को खीर बहुत ज्यादा पसंद है, खीर में मेवा डालकर उनका भोग लगाएं, और महालक्ष्मी जी को पान बहुत पसंद है, पान के पत्ते चढ़ाएं या फिर लगा हुआ पान खाएं या पान खिलाएं, तो उससे भी हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हम कुछ कौड़ियां खरीद कर ला सकते हैं, कौड़ियां भी अगर हम पूजा के उसमें रखें, बाकी अगर हम एक कुबेर पोटली हम लोगों ने भी प्रिपेयर की हुई है पर्सनली, जो कि सिद्ध करके हम लोग दे रहे हैं 3100 रुपए में, तो आपके पास उस नंबर है स्क्रीन पर, आप पहले से अपना नाम गोत्र भेजकर हमें मंगा सकते हैं, वो अपना एड्रेस भेजकर, उसके जो प्राइस है वो 3100 रुपए है ओनली, और वो आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं, जिससे कि आपके भंडारे हमेशा भरे रहेंगे, क्योंकि ये दिवाली वाले दिन शुद्ध करके आपको मिलेगी और उसके नेक्स्ट डे से आपको बाय कोरियर पहुंच जाएगी। तो इस पोटली के बारे में भी मैम ने बताया, इसकी विशेषता कि तिजोरी में रखना चाहिए ना मैम? जी, ये कुबेर पोटली हम बनाएंगे धन भंडार के लिए। जी, अन्न धन भंडार के लिए, सुख समृद्धि के लिए ये पोटली होगी, और इसमें वो सारी चीजें होंगी जो महालक्ष्मी जी को पसंद होंगी, और सिद्ध करके ये पोटली बनेगी जो कि आपके घर में हम लोग देंगे। जी मैम, और एक बात, लक्ष्मी मैया के पूजन के दौरान कुछ विशेष बातें हैं जो हमें ज्योतिष के अनुसार ध्यान रखनी चाहिए, कोई नियम अगर आप बताना चाहे? जी, लक्ष्मी जी की मैंने बोला था आपको पहले भी कि जो प्रतिमा है वो बैठी हुई होनी चाहिए,
और जितने भी आपके घर के पैसे हैं या जितने भी आपके घर में सोने चांदी के बर्तन हैं या जेवरात हैं वो सब आपको बाहर रखना चाहिए, पर्स खोल के रख देना चाहिए। इस दिन काफी लोग अपने बही खाते पर स्टार्ट करके शुभ लाभ लिखते हैं और अपना बही खाता इस दिन से भी शुरुआत करते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता भी है कि आज के दिन अगर हम बही खाता शुरू करते हैं तो उसमें भंडारे भरे रहते हैं हमारे। तो आप अपने बही खाते को भी स्टार्ट कर सकते हैं दिवाली वाले दिन। और मैं ये कहूंगी आज के युग को देखते हुए, कलयुग को देखते हुए, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ, जो हमारे घर की वधुएं हैं, हमारे घर की जो बेटियां हैं, हमारे घर की जो माताएं हैं, उनकी जितनी भी आप रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए जितने भी आप उनको खुश रखते हैं, उनको आप जितना भी उपहार देते हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर आपको ऑटोमेटिकली मिलते ही मिलते हैं। आपको कभी भी घर की स्त्रियों को दुखी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर की एक शुक्र भी हैं, चंद्र भी हैं, बुध भी हैं। तो यहाँ माँ लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, तीनों चीजें जो आपके घर में ही विराजमान है, अगर आप उनको खुश रखेंगे तो इससे बड़ी पूजा कोई पूजा नहीं होती है, कोई मुहूर्त नहीं होता उसके लिए। आप एनी टाइम एनी सब उसको एनी डे उसको आप सल्यूट कर सकते हैं, उसको आप सलाम कर सकते हैं, उनको आप प्रणाम कर सकते हैं, उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं, उनको आप सुख दे सकते हैं, उनको आप उपहार दे सकते हैं। तो मैं कलयुग के हिसाब से जो अगर मैं कहूंगी तो मैं अपना मत यही दूंगी कि मेरे मत के अनुसार कि नारी पूजन ही लक्ष्मी पूजन है। जी, नारी पूजन ही लक्ष्मी पूजन है और लक्ष्मी मैया का स्वागत कर रहे हैं इस दिन। और मैम, लक्ष्मी मैया को शुक्र जो इस फ्राइडे का दिन बहुत महत्व रखता है, जैसे आपने कहा वाइट सफेद चीजों का, मिठाइयों का, खीर का भोग लगाया जाता है। जी हाँ, तो इस दिन लक्ष्मी चालीसा के अलावा क्या श्री सूक्तम या कनक धारा भी? वही कनक धारा कर सकते हैं, श्री सूक्तम कर सकते हैं, श्री राम स्तुति कर सकते हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं। बाकी जो आपके कुल देवता कुल देवी हैं आप उनके भी पूजा कर सकते हैं, श्री हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी चालीसा भी पढ़ सकते हैं, राम स्तुति कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, और कमल का फूल माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है तो कमल का फूल भी माता लक्ष्मी को मैं कहूंगी जरूर चढ़ाएं। तो कमल का फूल जरूर चढ़ाएं और ये अमावस भी जरूर चढ़ाएं, क्योंकि उससे भी कोई विशेष रंग कुछ है फूलों का, सफेद या? हाँ जी, माता लक्ष्मी को कमल का फूल पसंद है बहुत ज्यादा। हाँ, तो माता लक्ष्मी देखा आपने कि कमल के फूल के ऊपर विराजमान है, तो कमल के फूल को आप चढ़ाइए, कमल गट्टे की माला से जाप कीजिए माता लक्ष्मी के, उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, वो प्रसन्न मैया प्रसन्न होती है। हाँ जी, और आपको अच्छा फल देंगे, शुभ फल की प्राप्ति के लिए आप कमल गट्टे की माला से चैंटिंग कीजिए। तो इस माला से आप जाप कीजिएगा और मेन तो श्रद्धा भाव होना चाहिए, ये श्रद्धा भाव होना चाहिए, और घर की महिलाएं जो भी हैं, चाहे माँ है, चाहे बहन है, चाहे बेटी है, चाहे फिर वो पत्नी है, उनको आप जितना भी सुख देंगे, मुझे तो यही लगता है कि जो साक्षात लक्ष्मी आपके घर में है अगर वो दुखी है तो आप कितना भगवान पूज लीजिए उससे कोई फल नहीं मिलने वाला है। आप पहले साक्षात लक्ष्मी की पूजा कीजिए, जो आज के युग में बहुत कम लोगों के घर में ये सब अच्छा चल नहीं रहा है। तो मेरा मत तो यही है कि आप सबसे पहली पूजा घर से ही शुरुआत कीजिए, तो फिर और लोग अपने आप ही उसको करेंगे। जी, बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया मैम आपने, और खीर का भोग, श्री सूक्तम, लक्ष्मी चालीसा का पाठ, ये सारे उपाय आप जरूर कीजिएगा और हर्ष और उल्लास के साथ देखिए अमावस्या तिथि अंधकार वाली रात पर हम दीप जला के लक्ष्मी मैया का आगमन होगा, उनका स्वागत कर रहे हैं, प्रभु श्री राम का स्वागत कर रहे हैं। तो हर्ष और उल्लास के साथ पूरे देश में रौनक ही रौनक होगा, बहुत सुंदर माहौल। बिल्कुल जी जी, बहुत रौनक का त्योहार है दीपावली, क्योंकि है ही दीपों का त्योहार, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार जिसे कहेंगे राष्ट्रीय पर्व हम कह सकते हैं, वो दीपावली ही है। तो मैं तो यही बोलूंगी सबको, आप सबको हमारे चैनल की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, माता लक्ष्मी आपके घर में वास करें, आपके घर की बहन बेटियां बहुएं सब बहुत सुख में रहें, माताएं बहनें सब सुख में रहें, सबको मेरा आशीर्वाद है और सबके लिए मेरी ये प्रार्थना भी है कि घर में सुखी का माहौल और घर की बहन बेटियों को और माताओं को सुख दें, उनको उपहार दें, उनकी साथ साथ जगह ध्यान रखें, उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, ताकि जो हम भगवान के लिए भाव रखते हैं वो हम साक्षात जो हमारे घर के चलते फिरते भगवान है उनका ध्यान रखेंगे तो माता लक्ष्मी बहुत और ज्यादा प्रसन्न होंगी और आपके जो काम नहीं बन रहे हैं वो बनने अपने आप ही शुरू हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जी, आप सभी को दोबारा फिर से दीपावली की ढेर सारी
शुभकामनाएं। आशा हम यही करते हैं कि आप स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और सुरक्षित होके दीपावली दीपोत्सव का त्योहार मनाएं और आपको सुख समृद्धि स्वास्थ्य के साथ शांति की भी प्राप्ति हो। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।